हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां एक बार फिर से हम सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। जैसे कि ये बहुत ही शानदार सीरीज आपकी चल रही है पंजाब पटवारी को लेकर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज आप कितना स्कोर कर पाते हैं, इसको लेकर मॉक टेस्ट चल रहा है और आज है इसका आखिरी दिन यानी डे 5। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक के सेशंस में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ रिकॉल किया होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा कि अब हम एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ इन सेशंस को कंडक्ट किए जा रहे थे। साथ ही साथ एग्जाम होने के बाद आप अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करिएगा, कितने क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए आपको मिले, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, ये सब कुछ आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा एग्जाम के बाद में। तो बेस्ट विशेस स्टार्टिंग में ही दे देते हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करिएगा और विश्वास मानिए आपने जितनी मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा और ये जो बेसब्री से आपको इंतजार था गवर्नमेंट जॉब का, वो जॉब लेने में बस अब कुछ ही टाइम बाकी रह गया है। तो बहुत ही मोटिवेटेड होकर जाइएगा एग्जाम में, बहुत कूल डाउन होकर पेपर दीजिएगा और ये सोच कर जाइएगा कि सब कुछ आपको आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर आपको कंप्यूटर की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, देखिए प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है जो बार बार नहीं होती, जितने भी एग्जाम हो उसको एक ही बार हम कंप्यूटर को तैयार कर लें, बार बार बस खाली रिकॉल करने की रिक्वायरमेंट हो। तो एक बार चैप्टर वाइज जरूर आप पढ़िएगा मन लगाकर, जहां पर चैप्टर में थ्योरी और साथ में उसके MCQs, जैसे पहला एक चैप्टर, फिर उसके कॉन्सेप्ट, देन जितने भी MCQs, फिर सेकेंड कॉन्सेप्ट, सारे MCQs, इस तरीके से सेशन में आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। तो होगा क्या कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आपको यहाँ से मिले नहीं, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 100% गारंटी है कि क्वेश्चन तो यहीं से ही मिलेगा, डैम श्योर है। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को, 35 क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, बहुत ही बेहतरीन। और ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट, MCQs और PDF ये सब कुछ प्रोवाइड की जाएंगी जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं। तो 500 रुपीज़ में है और बुक भी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, इतने में तो बुक भी नहीं आती है। तो बिल्कुल 500 रुपीज़ का ही आपका परफेक्ट बैच है, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर नहीं अभी तक लिया है तो तुरंत इसको ले लीजिएगा, ताकि जो आने वाले आपके एग्जाम्स हैं जितने भी, उन सब में आपको मदद हो पाए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट एक कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर किया हुआ है ना, इसमें जाकर आप कॉल कर सकते हैं और बैच के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, है ना। बस तैयारी आपको करनी है, कोशिश आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, साथ हमारा इसमें बिल्कुल रहेगा हर पल आपके साथ। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये है आपके स्क्रीन के ऊपर, हैव अ लुक गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रीस्टोर द डेटाबेस टू द लास्ट कमिटेड स्टेट। डेटाबेस में से ये क्वेश्चन आ रहा है और कह रहा है कि रीस्टोर करने के लिए डेटाबेस को लास्ट कमिटेड स्टेट में क्या करेंगे। तो आप जानते हैं इसके लिए सेव पॉइंट करते हैं, बिल्कुल नहीं, रोल बैक करते हैं, बिल्कुल सही बात है कि अगर हमें प्रीवियस स्टेट में वापस जाना है तो हम इसको रोल बैक कर देते हैं, कमिट भी नहीं होगा, बोथ 1 और 2 भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, रोल बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स DBMS। देखिए ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, या जिसकी सोर्स कोड पर जाकर हम एडिटिंग कर पाए उसे हम ओपन सोर्स बोलते हैं। तो MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसमें से ओपन सोर्स कौन सा DBMS है, कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आंसर है MySQL फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और ओरेकल ये सब आपके पेड हैं। RDBMS टर्मिनोलॉजी फॉर अ रो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RDBMS की अगर हम बात करें, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो यहां पर रो को किस नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो RDBMS में रो को कहते हैं टपल और कॉलम को कहते हैं एट्रीब्यूट। तो ये दो जरूर याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन कई बार बनता है,
तो रो इज कॉल्ड टपल, वेयर इज कॉलम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। वाइल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू, बूटिंग के दौरान जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ लोड होता है? तो आप जानते हैं कि बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में लोड किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? रैम में लोड किया जाता है, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। दो तरीके की रैम होती है, एक स्टैटिक होती है और एक डायनेमिक रैम होती है, है ना, ये भी याद रखिएगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेल एड्रेस, इनमें से सेल एड्रेस कौन सा वैलिड है ये पूछा जा रहा है। तो MS Excel में सेल एड्रेस वो वैलिड होता है जो पहले करेक्टर होता है और बाद में नंबर दिया होता है। तो पहले करेक्टर कहाँ पर है? A, बाद में नंबर है 25, यानी सेकेंड यहाँ पर आपका वैलिड है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी रोज डज MS Excel 2007 वर्कशीट कंटेन। तो नई वाली वर्कशीट की बात हो रही है, नई वाली एक्सेल शीट की बात हो रही है, 2007 वर्जन की बात हो रही है, तो कितनी रोज होती हैं उसमें ये आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज 10,48,576, यानी फर्स्ट यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर बनेगा। और मैंने इमेज के थ्रू दिखाया भी है कि नीचे आप देख सकते हैं 10,48,576, और यही है आपकी लास्ट रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल की कंटेंट कहां पर आपको दिखते हैं? लिखते तो हम सेल में हैं, लेकिन दिखते ये फॉर्मूला बार में जाके फॉर्मूला है ना, अगर कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो आंसर यहां पर क्या होगा? दैट इज फॉर्मूला बार, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फॉन्ट विद कर्व्ड और एक्सटेंडेड एजेस इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा फॉन्ट जो कर्व्ड है, एक्सटेंडेड एजेस हैं उसकी, इस तरीके के फॉन्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्रिप्ट, सेरिफ, सैन सेरिफ या ऑल ऑफ दीज। तो आपने देखा होगा काफी डिजाइनदार होता है ये, एजेस निकली होती हैं इसकी, सेरिफ के नाम से इसको जानते हैं, तो सेकंड यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हैं इमेज में हमने सेरिफ और सैन सेरिफ दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। सैन सेरिफ तो बहुत ही सिंपल सा है, नॉर्मल है, लेकिन सेरिफ के केस में आप देख सकते हैं एजेस यहां पर निकली हुई हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेरिफ। प्रिंटर रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन, प्रिंटर के रेजोल्यूशन को किसमें नापा जाता है? और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां स्पीड नहीं पूछी जा रही है, प्रिंटर का रेजोल्यूशन पूछा जा रहा है। पेजेस पर मिनट नहीं, ये तो फास्टेस्ट स्पीड है प्रिंटर की, पीपीएम, यानी लेजर प्रिंटर की स्पीड पीपीएम। CPS ये भी स्पीड है, लाइंस पर सेकंड ये भी स्पीड है, जबकि डॉट्स पर इंच ये रेवोल्यूशन है। तो आंसर यहां पर बनने वाला है DPI, डॉट्स पर इंच इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या है? तो इसका इस्तेमाल देखिए, रिस्क और सिस्क है ना, ये दो चीजें होती हैं, और ये किसके रिस्पेक्ट में यूज होती हैं जरा बताइए? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये इनकी फुल फॉर्म होती है, और ये माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में, माइक्रो प्रोसेसर के जब आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हैं तो RISC और CISC आर्किटेक्चर है ना, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दी माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में काउंट होता है? फोर्थ जनरेशन में काउंट होता है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंटरनेटवर्किंग डिवाइस। इन डिवाइसेस में से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो नेटवर्किंग नहीं, इंटरनेटवर्किंग डिवाइस के तरीके से काम करती है? हब, ब्रिज, राउटर या स्विच। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज राउटर। तो राउटर आपकी इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है। नेक्स्ट, DNS वर्क ऑन विच पोर्ट नंबर। DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम, या इस सर्वर को हम लोग डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं, जो जनरली डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने किसी भी वेबसाइट का URL लिखा, उसका एड्रेस लिखा, google.com लिखा,
तो ये डीएनएस क्या करेगा, उसको एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कौन सा पोर्ट नंबर है ये आपको बताना है, और करेक्ट आंसर है 53। करेक्ट आंसर इज गाइस 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओल्ड नेम ऑफ फेसबुक, फेसबुक का पुराना नाम आपको बताना है, मास्क बुक, फेस मैश, ओक या माई बुक। देखिए अगर फेसबुक की बात करें तो जब मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक बनाई थी तो इसका नाम रखा था फेस मैश, जहां पर ये अपने कॉलेज के जितने भी कैंडिडेट थे उनको कंपेयर करते थे कि उनकी बॉडी किसकी अच्छी है, किसका लुक अच्छा है, कौन ज्यादा हॉट दिख रहा है। तो जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ और बाद में जाकर इसको इन्होंने पूरी दुनिया के लिए ओपन किया और फेसबुक बनाया, जहां पर कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, लाइक कर सकता है, किसी भी कमेंट पर, किसी भी फोटो पे कमेंट कर सकता है। तो यही एक आइडिया था जो पहले फेस मैश के नाम से जाना जाता था, जो एक कॉलेज के अंदर चल रहा था, और फेमस होते ही इसका नाम चेंज करके फेसबुक रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डेटा, डेटा की सबसे छोटी यूनिट आपको बतानी है डेटाबेस में क्या होती है, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल या डेटाबेस। वेरी गुड गाइस, अगर हम डेटाबेस की बात करें तो सबसे पहले आती है बिट, देन बाइट, देन फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटा। अब अगर यहां पर अगर हम देखें तो बिट और बाइट तो गिवन नहीं है, तो अब यहां पर आपकी सही आंसर बन गया फील्ड इज द वेरी करेक्ट आंसर। तो बिट बाइट के बाद जो आता है वो फील्ड है, और आप देख सकते हैं कि फील्ड सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डेटाबेस है या डेटा कह सकते हैं। विच रैम इज यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर्स या लैपटॉप, मॉडर्न कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सी रैम का इस्तेमाल होता है, यानी आपके और हमारे कंप्यूटर्स में जो रैम लगी हुई है उसे हम लोग किस रैम के नाम से जानते हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, डबल डेटा रेट के फॉर्म में रैम होती है, तो इसे हम लोग डायनेमिक रैम कहते हैं। तो आंसर क्या होगा कि मॉडर्न कंप्यूटर्स या लैपटॉप में जो रैम लगी होती है वो डायनेमिक रैम है, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ये आपके डायनेमिक रैम के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आई होप सो कि आउट ऑफ 15 आपने एक बेटर स्कोर किया होगा और आप बिल्कुल तैयार होंगे आप एग्जाम देने के लिए। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत अच्छे से दीजिए, कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये जरूर बताइएगा, वीडियोस को शेयर किया करिए मैक्सिमम कैंडिडेट तक अगर आपको पसंद आ रही हो तो, है ना। तो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नए सेशन में, टिल देन गाइस बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पेपर करिए। सेशन पसंद आ रहे हो तो लाइक भी जरूर किया करिए, बाकी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।